क्योंकि सहन शक्ति में दुनिया के बीच अथवा जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उन सब के बीच असली ब्रह्मा नंबर वन कौन हुआ है? दादा लेखराज। तो ब्रह्मा की नाभि से, वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब जिसकी नाभि से निकला वो दो आत्माएं हैं कि एक है? तो सृष्टि के अंत में भी उनको क्षर कहें या अक्षर कहें, क्षरित होने वाली है, उनकी आत्मा की शक्ति पूरी क्षरित हो जाती है या रह जाती है? क्षरित नहीं होती। इसलिए बोला कि संसार में तीन प्रकार की आत्माएं हैं, गीता में ऐसे बोला। एक क्षर, मानो 500 करोड़ जितने भी हैं विष्णु रूपों को छोड़ करके, बहुत सात क्षर हैं। और दूसरी कौन है? अक्षर, जो क्षरित नहीं होती। उनमें दो आत्माएं, एक अक्षर है वो शिव, जो सदैव कहां का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। वो परमधाम वासी उन विष्णु में प्रवेश करता है। विष्णु में भी जो नारायण का पार्टधारी है उसमें प्रवेश करता है, हीरो पार्टधारी में। और हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। आप समान बनाने में टाइम लगेगा या प्रवेश करते ही आप समान बन जाता है? तो बताया, जब तक जीना है तब तक पीना है। और रावण देह अभिमान में जीता है या देह अभिमान से मर जाता है? हैं? जीता है ना, तब तो रावण कहा जाता है। और राम ही रावण बनता है। तो आज में रावण बनता होगा या मध्य में रावण बनता होगा या एकदम अंत में रावण बनता होगा? एकदम अंत में रावण बनता है। फिर उस रावण को, जो साकार रावण है जिसे इस दुनिया वाले राम कहते हैं, उसको निराकार राम आकर के क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। कलयुग के अंतिम जन्म में वो विष्णु स्वरूप है ही। उन्होंने 100% बाप को याद किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो बने हैं बाप समान। और जब कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म खत्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है जिसे 21वां जन्म भी कहते हैं, वो 21वें जन्म के अंत में वो संपन्न रूप बन जाता है। इसलिए बोला कि ऊपर वाला तो ऊपर है, वो आकर के नमन करता है। किसको नमन करता है? 500 करोड़ को है? तुम बच्चों का हाथ तो किसको नमन करता होगा? है नंबर बार बच्चे हैं ना, अव्वल नंबर कोई होंगे कि नहीं? जो अव्वल नंबर हैं उनको नमन करता है। क्यों नमन करता है? क्योंकि जो नमन करने वाला है उसको तो कोई देवान है ही नहीं, और जिनको नमन करता है उनको तो सृष्टि के अंत तक कैसा पाठ बजाना है? है देह अभिमानियों का भी बाप बनना है। अरे वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है।
दुनिया के जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप।